हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं रिवीजन का धमाका। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हुए जा रही है। आज की अनाउंसमेंट सुनो और मस्त मजे लो। सर देखो, मैंने इनको बोला है कि भाई हम आपको एक महीने की रिवीजन में दो महीने की फील देंगे। क्या बात है कहावत तो ये भी है कि दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है। तो भाई उसका मतलब यही है ना कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी करो, मतलब डबल काम करो। तो यस गाइस, बड़ा सिंपल फंडा है। कोई मैजिक नहीं होता कि हम एक महीने में दो महीने की फील होता है। मैजिक सिर्फ इतना होता है कि मेहनत डबल होती है। बस यही मैजिक है। दुनिया में कोई मैजिक नहीं होता, मैजिक सिर्फ मेहनत है। ठीक है ना, 24 का 48 नहीं होगा। हाँ, 24 का 48 रहेंगे, 24 ही रहेंगे, बस काम डबल हमें करना है। तो गाइस, मैंने आपसे प्रोमिस किया कि 29, 30 और 31। सर मैंने रिवीजन को स्टार्ट इस बार इस तरीके से किया कि पहली तीन क्लासेस धमाकेदार होंगी, जिसमें मैं इन्हें 12-15 घंटों का काम तीन क्लास में खत्म करने वाला हूं, 5 गुना स्पीड से। लेकिन कोई भी कंटेंट में कमी नहीं है, वह सब कुछ करवाया जाएगा जो वहां करवाएगा, क्योंकि आवर्स उतने लिए गए हैं। और उसके बाद फिर मैं इन्हें नॉर्मल शेड्यूल बताऊंगा। मतलब पहले तीन दिन में 20-20 खेलने वाले हो? पहले तीन दिन में 20-20, उसके बाद 50-50, फिर भी 20-20, बीच में टेस्ट मैच भी खेलेंगे। सब चलेगा। तो सर अब आप ये बताओ कि मैं तो इनके लिए लेके आया हूँ कि 29, 30 और 31 में 5-5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ मैं इनकी, और मैं इनको करवा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा चैप्टर कंप्लीट, दोनों विद इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, विद इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, विद इंक्लूडिंग स्कैनर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ उन दो चैप्टर्स का करवाऊंगा पहले। तब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भाई मैंने करवा दिया, इतना बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तीन दिन के अंदर ही हमने 15-20 नंबर लपेट लिए। बिल्कुल। अब सर, अब आप बता दीजिए आपकी आज क्या इन्फॉर्मेशन है इन लोगों के लिए, आप क्या लेके आ रहे हो? सर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं भी बस आपके ट्रैक पे आने वाला हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब 2-3-5 आप करने वाले हो तो मैं भी करने वाला हूँ। अरे वाह, 2-3-5 करने वाले हैं, समझो 3-5 नहीं करते हम, 2-3-5 करते हैं हम। बता दो सर। और तो भाई अपनी लॉ एंड एथिक्स में कंपनी लॉ कराने वाला हूँ। अच्छा, 40 नंबर आपके पॉकेट में 40 पूरे मिलने वाले। तो 2 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख, इन 3 दिन में ये अपने 40 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। डन, बिल्कुल फुल कंफर्म, पूरा मतलब कंपनी लॉ इनके टिप्स पे। लेकिन ये कमिटमेंट तभी होगी 40 की, जब ये 40 के लिए बैठेंगे मेरे साथ। ये सर बच्चे बहुत प्यारे हैं। सर देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन सिंसियर होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं। बिल्कुल। और उन सिंसियर बच्चों के लिए हमें नॉन सिंसियर बच्चों की बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। ये तो भाई है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि भाई एक कहावत है, भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। या तो बहुत सारे बेगुनाह है, ये तो सारे बेगुनाह है बेचारे। सब अब सोच रहे हैं कि सर कुछ करो भाई हमारे लिए, और हमारा फर्ज बनता है सर। नहीं नहीं सर, हम हमेशा करते आए हैं, एक लंबे टाइम से हम लोग रिविजन के पे लगे हुए हैं। सर तो भाई 2 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, और इसमें आपको मिलने वाला है 40 नंबर का टाइम भी तो बता, पूरा कंपनी लो सर 40। इस कंपनी में आप सर वो जो आपके स्टडी मटेरियल होता है वो सब कवर कर लेंगे आप? पूरा सब कुछ रहेगा, नए सिलेबस का या ओल्ड सिलेबस का? अब सर इसको तो डिफाइन नहीं कर सकता, नए ओल्ड पूरा कंप्लीट रहेगा। ओल्ड वाले बैठेंगे उनके लिए भी, नए वाले बैठेंगे उनके लिए। मतलब आप पूरा ही कराओगे दोनों के लिए कंप्लीट? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और सर इसमें सब कुछ कवर होगा, एमसीक्यू वगैरह थोड़ा बहुत? बिल्कुल, एमसीक्यू भी होंगे। हाँ, वो भी हम कवर करेंगे इसमें। हाँ, और जितने भी स्टडी मैट में जितने भी टॉपिक हो सारे कवर होगा। बस स्टडी मटेरियल के ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। न्यू सिलेबस वालों सुन लो, ओल्ड वाले तो हमारी बहुत सुनते हैं, न्यू वाले भी, नए नए बच्चे अभी आए नहीं इतने, मतलब कम है थोड़े से, जान पहचान बढ़ाएंगे सर अब धीरे धीरे। हाँ तो भाई जितने भी टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में हैं वो सारे लिख लो आप, वो सब कवर होने वाले हैं। 40 नंबर आपके कन्फर्म्ड होने वाले हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर 16 नहीं हो सकता सर। पास होने के लिए भी 40 चाहिए सर? पास होने के लिए 40 चाहिए, मतलब 3 दिन में पास? ये क्या बात है, 3 दिन बच्चे कह रहे हैं 40 में 40 उड़ जाएंगे, लेने वाले ले लेते हैं भाई। एग्जैक्टली नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लेना चाहते हो। हाँ, हम दिलवाने के लिए तैयार हैं भाई, पूरा दम लगा देंगे अपना। ठीक है ना सर? हाँ जी सर। तो और बताओ सर, इनके लिए अब आगे इसके बाद भी और शेड्यूल आने वाले हैं? बिल्कुल, लेकिन रेगुलर शेड्यूल्स, मतलब रेगुलर का मतलब देखो, हम पहले 1 घंटे की एक क्लास लिया करते थे डेली बेसिस पे, इनफैक्ट सैटरडे संडे उसमें नहीं भी लिया करते थे, लेकिन अब हम रूटीन में लेंगे, डेली लेंगे। आपके पास दिन कम बचे हैं, पूरे दिन हम लोग कवर अप करेंगे, और
एक घंटे की जगह हम कोशिश करेंगे डेढ़ से दो घंटा लें, ताकि वही बात दिन दुगनी और रात चौगनी करनी है भाई। बीच बीच में 20 खेलेंगे, हाँ 20 भी खेलेंगे, 20-20 मैच चलेंगे, मतलब किसी दिन आए शाम को 5 बजे, रात को 12 बजे तक निपटा दिया एक टॉपिक पूरा, अपने इंडस्ट्रियल लो उठाया और साला पूरा कंप्लीट ही कर दिया एक दिन, दो टॉपिक उठाएंगे खत्म कर देंगे। और सर इस बार हम रिविजन के साथ साथ टेस्ट भी लेंगे बच्चों के, बिल्कुल कोशिश पूरी है सर। सर मैंने पूरा टेस्ट तैयार कर लिया है और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है MCQ कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके टेस्ट हमने चेक भी करने हैं और सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप भी इनके लिए अच्छे अच्छे टेस्ट तैयार कर, बिल्कुल सर ठीक है ना। अभी टाइम है 2-3-5 को पहले पढ़ाएंगे, फिर एक टेस्ट होगा पूरा कंपनी लोगों का, पूरा कंपनी लोगों का टेस्ट होगा आपका, पूरा कंपनी लोगों का एमसीक्यू होगा और आप लोगों को, और मैं बेसिक कंसेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस का एक टेस्ट लूंगा बढ़िया सा, कम से कम 100 नंबर का टेस्ट होगा, मतलब प्रॉपर पेपर की तरह टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा मैं शॉर्ट ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे चेक भी करने हैं। मैं सर बताऊँ लास्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने एक टेस्ट लिया 700-800 बच्चों का रिप्लाई आया उस टेस्ट के अंदर और वो मैंने सब्जेक्टिव ले लिया गलती से लास्ट टाइम, तो वो तो चेक करना ही डिफिकल्ट हो गया यार, इतने सारे बच्चों का टेस्ट चेक कैसे करूँ, और रिविजन का टाइम है, इतना टाइम नहीं है। हाँ एक MCQ सिस्टम है हमारे पास सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसके थ्रू लेंगे हम लोग, आप उसमें बस टिक करते जाओगे और वो सबमिट हो जाएगा और इमीडिएटली नंबर सामने आ जाएंगे। वो सर बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, बच्चों के लिए कन्वीनियंट रहेगा, बेस्ट पार्ट ये तीसरे नंबर में ऐसे MCQs बनाए हैं सर, ऐसे MCQs भाई साहब, बुक खोल के बैठ जाना, सामने बुक खोल के बैठ जाना, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा और जिसने पढ़ा है वो बुक करके पाएगा, बता रहा हूँ इतने शानदार MCQs बनाए हमने। तो गाइस बस आज के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि 2-3-5 करना है, ठीक है ना, 2-3-5 और 29-30-31 भी ध्यान रखना, 29 सर आ रहे हैं, स्टार्टिंग 29 से हो रही है बिल्कुल, यानी कि परसों से, या आज क्या है, आज 27 परसों ही है, हाँ तो 29 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 29, 30 और 31 आप लोग रेडी रहना, और फिर 2-3-5 होगा कंपनी लो 40 नंबर का धमाका, और हर सब्जेक्ट को हम लोग पहली जो क्लास लेंगे ना, पहली 2-3 क्लासें वो ऐसे ही लेंगे, हाँ। कंपनी अकाउंट्स की, फिर बाकी उसको ट्रैक पे ले आएंगे, तो टाइम हमने बचा लिया है सर, बिल्कुल बचा लिया, और एक महीने में 2 महीने की फील आके रहेंगे, थोड़ा सा ना इससे कॉन्फिडेंस आ गया, जब हम स्टार्टिंग में कुछ चीजें कवर करते हैं हाँ। तो बच्चों को लगता है हाँ चलो 40 नंबर, बिल्कुल। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले इंफॉर्मेशन का, वेट करो और 29th के लिए रेडी रहो, टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।